सुंदरनगर के डहर स्थित बाल आश्रम के एक बच्चे की पीजीआई मौत के बाद परिजन सकते में हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को इस बच्चे के परिजन और पंचायत और गांव के लोग डीएसपी सुंदरनगर से मिलने आए थे, मगर डीएसपी और एसएचओ जिला की बैठक में गए हुए थे। अतिरिक्त एसएचओ ने मामले को सुना। बच्चे के मामा रमेश और चाचा लालमन ने बताया कि उक्त बच्चे, जिसका नाम अमन था और उम्र 11.5 साल थी, उसको 3 अप्रैल को सुंदरनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर उसे शिमला ले गए, मगर वहां भी सुधार ना होने से उसे पीजीआई ले गए। हालांकि पीजीआई में उसकी मौत 30 अप्रैल को हुई। तो मरने के 3 घंटे पहले उसने अपनी माँ के सामने सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वे दोनों रो पड़े थे। उतने में जब मामा कमरे में आया तो उसने रोने का कारण पूछने लगा। मामा ने अपने मोबाइल का कैमरा चलाकर जो सच रिकॉर्ड किया, उससे पता चला कि बाल आश्रम में उसके साथ कैसी कैसी जायदादें की गई। तब घर वालों को पता चला कि उसी आश्रम का 12वीं में पढ़ने वाला अमन न केवल उस बच्चे को यातनाएं देता था, बल्कि और बच्चे भी पीड़ित थे। मामा के अनुसार इस वीडियो के बनने के 3 घंटे के बाद उसके भांजे की मौत हो गई। दाह संस्कार के बाद मामला डहर पुलिस चौकी में दर्ज हुआ। हालांकि डहर पुलिस ने बाल आश्रम में दबिश दी, बच्चों से बातचीत भी की, बच्चों ने भी बात स्वीकारी है, मगर पुलिस ने संस्थान के उस आरोपी बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बात को लेकर परिजन सुंदरनगर के डीएसपी से मिलने आए थे। हालांकि अतिरिक्त एसएचओ प्रकाश चंद ने बताया कि परिजन और पंचायत के लोग मिलने आए थे, उनकी बात सुनी गई, उच्च अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जांच शुरू हो जाएगी। बाल आश्रम के खिलाफ परिजनों ने मंडी स्थित चाइल्ड लाइन को भी सूचित कर दिया है। परिजनों ने चाइल्ड लाइन को आश्रम की जांच करने की मांग की है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने और कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती को जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने सोशल मीडिया पर फैलाए गए अफवाह को करार दिया है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए दीपक शर्मा ने कहा कि वे आज भी मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई है, जबकि उन्हें हटाने का अधिकार भी पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को ही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई पद ही नहीं है, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष महासचिव आदि के ओहदे पे हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि उनकी नियुक्ति की अधिसूचना AICC की अधिकृत साइट पर जारी की गई है। अगर ऐसी ही अधिसूचना किसी और की है तो वे शहर पार्टी के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए इस बारे में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को मेल पर सूचित करने की भी बात कही है। दीपक शर्मा ने कहा कि कुछ लोग दीपक के प्रकाश से डरते हैं, जिसके चलते भी इस तरह की साजिशें करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में हम पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष की तैनाती का अधिकार दिल्ली हाईकमान को है, जबकि कथित कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में पत्र संगठन सचिव की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकारी अध्यक्ष को राहुल गांधी ने नियुक्त किया है तो उनका स्वागत है, वे पार्टी के हर फैसले को मानने के लिए तैयार है, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है।